विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा मार्बल सिटी किशनगढ़ पहुंची। किशनगढ़ के लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू हुई यात्रा किशनगढ़ के मुख्य चौराहे पर पहुंची। बता दें, शौर्य यात्रा पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। यात्रा के दौरान लोगों को सनातन धर्म का महत्व बताया गया, सनातन धर्म के प्रचार का भी आह्वान किया गया। विहिप ब्यावर परियोजना उपप्रमुख पृथ्वी सिंह भोजपुरा ने कहा कि संविधान और सभी धर्मों की रक्षा के लिए सनातन धर्म जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म में सभी को परिवार का सदस्य माना जाता है। सनातन संस्कृति के कारण ही आज भारत की स्थिति अरब सहित दुनिया के सभी दूसरे देशों से अच्छी है। वहाँ हिंसा और जंग का माहौल है, यहाँ चौहर शांति है। जिला मंत्री घनश्याम अग्रवाल ने कहा कि जनवरी में अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सभी इसी ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होंगे। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान प्रांत प्रचार मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया, नगर अध्यक्ष रमेश सेठी, नगर मंत्री श्याम मनोहर सोनी, जितेश पारीख, बजरंग दल संयोजक घनश्याम जांगिड़ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।